डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बुक एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे थे जो एनसीईआरटी के पांचवें चैप्टर में है। हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज को पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया है। अब हम लोगों को एक्सरसाइज 5.2 के सवाल को देखना चाहिए। हालांकि उसके पहले कुछ फार्मूले हैं, कुछ चीजें हैं, उनको जरा समझना चाहिए हमें, ठीक है। जरा बात करते हैं एपी का। तो एपी में जो फॉर्म रहते हैं, जरा हम फिर से एक तरह की थ्योरी बताते हैं। ये थ्योरी किस एक्सरसाइज के लिए है? तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो 5.2 एक्सरसाइज के लिए है। अब इस एक्सरसाइज में कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन को करना होगा, उन चीजों को हम लोग डीपली अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुछ एपी के टर्म्स होते हैं। अब कौन कौन सा टर्म्स है हम लोग जानते हैं, एपी पढ़ रहे हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसका जो जनरल टर्म होता है ए होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे करते 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 कहां तक, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा। तो हम आपको आइडिया पहले ही बता चुके हैं कि अगर बोलेगा चौथा पद तो यहां पे ए प्लस थ्री डी बोलेंगे, अगर बोलेगा दूसरा पद तो एक कम करके लिखते हैं, समझना है। अब ये कहां तक जाएगा, तो लगभग एनवा पद। तो जैसे मान लिया कि अगर हमें एक एग्जांपल के तौर पे एक कोई एपी दिया हुआ है, जैसे 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और ऐसे ही चलते जा रहा है। अब हमको बोल रहा है कि अभी तक के सवाल में कितना पद दिया हुआ है, अभी तक के सवाल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद तो दे दिया, सातवां पद तक दिया है, और हमको बोल रहा है कि बारहवां पद क्या होगा। बारहवां पद आपको निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, जैवा पद आपको निकालना होता है, उससे एक कम बताया है, इसलिए यहां पे लिखिएगा सॉल्यूशन में बारहवां पद इज इक्वल टू ए प्लस, 12 है तो एक कम हो जाएगा, 12 माइनस 1। देखिए, जैवा पद अगर हमें पूछता है उससे एक माइनस होना है, जैसे कि ये पहला टर्म है, दूसरा में एक कम है, तीसरा पद में यहां 2 यूज हुआ है, चौथा पद में 3 यूज हुआ है, उसी तरीके से बारहवां पद में 12 माइनस 1 और डी। और आप देख पा रहे होंगे सवाल में कि ए का मान कितना है, तो सवाल में जहां से एपी शुरू होता है वो होता है ए का मान, तो ए का वैल्यू हो गया 8 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुने डी का मान किसमें, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 12 में से अगर 8 को घटाएंगे तो डी का मान हो गया 4, तो 8 प्लस 44 यानी कि 52 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि और ऐसे ही बढ़ते रहेगा, 7 पद तक तो है, और 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां निकालिएगा तो आपका आंसर 52 आएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब हम लोग कुछ इसके लिए फार्मूला बनाते हैं। अब वो फार्मूला कौन सा होगा और उसको कैसे सम्मिलित करना होगा क्वेश्चन में, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए एक फार्मूला को देखते हैं। अब वो फार्मूला क्या बोल रहा है और उसको कैसे यूज करना होगा हमें पता होना चाहिए,
तो एक फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको नोट करने के साथ साथ याद भी करना चाहिए। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जी हाँ, ये फॉर्मूला है। अब सबका मीनिंग समझते हैं कि कहां कहां क्या है। यहां पे अगर बात करें, जहां ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद है। ए का मतलब जानते ही हैं, ए का मतलब प्रथम पद, और एन का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब कि पहला पद, एपी का होता है ना पद, पद का मतलब पहला बार में जो लिखा जाएगा वो पहला, हरेक पद जो होता है वो कॉमा के बाद लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि एन जो हो गया उसको हम लोग बोलेंगे पदों की संख्या, ठीक है। और फिर डी का वैल्यू का मतलब जानते ही हैं, सार्व अंतर है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत हम लोग सवाल कर सकते हैं, तरह तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम क्वेश्चन सिखाते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन देगा। आपको बोलेगा कि दो चार छः ऐसे करके एपी जो है 120 तक के लास्ट हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, दो चार छः ऐसे करके 120 तक के लास्ट हो जा रहा है कोई एपी, तो बताइए कि ऐसा ऐसा करके कोमा कोमा कितना वो पद होगा, तो 120 होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि यहां पे कितने पदों का, जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, दो चार छः कोमा कोमा दस, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कि इतना नहीं दिया रहता, दो चार छः दिया रहता तो एक दो तीन पद होता, ठीक है। लेकिन आपको दो चार छ और बीच में डॉट 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 दिया है और दस तक के लास्ट कर दिया, ये एपी में, तब बोल रहा है कि एनवा यानी कि पदों की संख्या निकालिए कि कै वो पद होगा तब दस हो जाएगा। सवाल समझ में आया? तो इसको देखकर आपको यहां पे ये लिखना होगा कि यहां पे क्या क्या चीजें दिया है। तो आपको झलक रहा है कि जब शुरू बार में जो एपी जहां से शुरू होता है वहां पे ए का वैल्यू होता है, तो यहां पे ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, दो, ठीक है। और उसके बाद जब एपी का दुगो तीनगो टर्म दे दिया है तो वहां से तो हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। आप यहां से डी का मान निकाल लीजिए। डी का मान कैसे निकालेंगे, तो बाद वाला पद माइनस पिछला पद। अब इसमें हमको ये नहीं करना है साथियों कि बार बार डी का वैल्यू निकालना है। वो बार बार डी का वैल्यू कब निकलता है, जब हमें एपी चेक करना होता है कि एपी है या एपी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे तो एपी खुद दिया हुआ है सवाल में, सवाल में एपी बोल रहा है कि ये एपी में है, ये एपी में है, आपको एन का वैल्यू बताना है। तो आपको डी कैसे भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो छ में से चार को भी घटा सकते हैं, चार में से दो को भी घटा सकते हैं, क्योंकि डी को बोलते हैं सार्वंतर और सार्वंतर का मान होता है अगला पद में से पिछला पद को घटा देना। तो अगला पद में से अगर पिछला को घटा दे तो कोई सा भी एक ठो घटा लीजिए, हमको अच्छा लग रहा है छह माइनस चार, तो ये हो गया डी का वैल्यू। और एपी जहां से शुरू होता है होते होते अगर लास्ट हो जाए या फिर अंतिम में बिंदु दिख जाए, ठीक है, अंत में बिंदु का मतलब ये हुआ कि डॉट डॉट करने के बाद एक कोई अंक मिले या फिर बिंदु दिख जाए, उसको बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब जहां से पद शुरू हुआ था वो होते 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 लास्ट हो जाता है, तो जब लास्ट हो जाता है उसको बोलते हैं अंतिम पद। और अंतिम पद को ए एन से सूचित किया जाता है, और ए एन का वैल्यू कितना है, टेन। देखिए ए एन कैसे लिखते हैं, तो बहुत सारे लोग ए और एन लिखते हैं, ये आपका गलत है, ऐसे ए एन नहीं लिखा जाता है। ए एन लिखने का तरीका है ए लिखिए उसके नीचे एन लिखिए, ये ए एन लिखने का तरीका है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि ए एन का वैल्यू दिया है सब कुछ, और हमें फिर यहां से एन का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो
तो अब यही फॉर्मूला को आपको यूज करना होगा क्या भाई, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये फॉर्मूला को आप यूज कीजिएगा तो आप ए एन के जगह पे क्या रखिएगा, ए एन के जगह पे टेन चूंकि सवाल में दिया है, फिर बराबर ए, ए का वैल्यू कितना है टू, तो यहां टू रखिएगा, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट एन का तो मान निकालना है साथियों, तो एन का एन आप छोड़ दीजिए माइनस वन, और इंटू डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू देख लीजिए कितना है टू। तो इसको सॉल्यूशन करते हुए यहां टेन हो गया, टू को एन से मल्टीप्लाई टू हो गया, टू को वन से मल्टीप्लाई किया माइनस, सॉरी ए प्लस है ना, सॉरी यहां पे टू प्लस है, तो टू प्लस करिए, इस टू को एन से मल्टीप्लाई कीजिए टू एन, टू को माइनस टू से वन से, तो माइनस टू और प्लस टू कट गया, तो यहां पे देख पा रहे होंगे कि एन का वैल्यू कितना आ गया, तो टेन बाई टू यानी कि फाइव, यानी कि आपको यहां पे ये बोल रहा है कि टोटल अगर पांच गो आप पद कीजिएगा तो आपका दस लास्ट में आ जाएगा। जरा इन चीजों को चेक करते हैं हम यहां पे, हालांकि यहां पे चेक कुक नहीं करना होता है, जो वैल्यू हमें निकालना होता है वो हम निकाल के बस आंसर कर देंगे, हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, चीजें पहली बार मिल रही है, तो उसका कुछ ना कुछ हमें बोल सकते हैं चेकिंग होनी चाहिए कि क्या वाकई में पांच गो पद अगर लिख देंगे तो लास्ट मेरा दस हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तो स्टार्टिंग कहां से करना है, दो से, और कितना बार लिखना है उसको, पांच बार यानी कि पांच पद लिखना है, देखते हैं दस आता है कि नहीं। तो एक हुआ चार, दूसरा पद हुआ तीसरा पद, चौथा पद, और देखिए यहां पे इतिहास गवाह है कि हम लोगों का पांच पद में दस आ जाता है लास्ट में। तो कुल मिलाकर इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, एन का मतलब सबसे अंतिम पद, ए का मतलब प्रथम पद, एन का मतलब पदों की संख्या की कितना पद है, और डी का वैल्यू। अगर मान लिया जाए कोई कोई सवाल में अगर यही सवाल रहता और ये बोलता, सवाल देखिए, अगर ये बोलता कि इसमें आपको चलते जाना है चलते जाना है चलते जाना है, आपको पंद्रहवां पद बताना है। देखिए जब पंद्रहवां पद बोल दे तो ये तो और सिंपल सवाल बन जाता है। पंद्रहवां पद का मतलब कौन सी, कि यहां पे पंद्रहवां पद निकालना है, तो यहां पे पंद्रहवां पद कैसे निकालते हैं आप, तो पंद्रहवां पद बराबर ए प्लस चौदह डी। पंद्रहवां पद निकालना है तो पंद्रह में से एक कम कर देना है, और ए का वैल्यू कितना, दो प्लस चौदह और गुने डी का मान दो, तो चौदह दुनिया अट्ठाईस और दो तीस। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ, ये बहुत शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट है। कभी भी अगर कोई एपी शुरू हो और ये बोले कि पंद्रहवां पद निकालिए, तो पंद्रहवां पद निकालना है का मतलब क्या, कि एक कम हो जाना है। हम हमेशा से बता रहे हैं कि अगर दसवां पद बोले आप एक कम हो जाओ, पंद्रहवां पद बोले एक कम हो जाओ, पंद्रह से गया एक कम तो चौदह, और डी तो लगाना ही लगाना है, ए प्लस चौदह डी, तो ए का वैल्यू दो और डी का वैल्यू सार्वंतर। सार्वंतर कैसे, तो अगला पद माइनस पिछला पद। ये वेरी शॉर्ट मेथड हो गया। अब थोड़ा जरा लॉन्ग मेथड बताते हैं, जो मेथड आपको पसंद है। अगर ऐसा सवाल रहेगा तो आप यहां से लिखिएगा कि ए का वैल्यू टू, डी का वैल्यू फोर माइनस टू बराबर टू, और यहां पे पंद्रहवां पद निकालना है, इसका मतलब कि एन का वैल्यू दे दिया पंद्रह। देखिए जैवा पद निकालना है, जैवा पद निकालना है वो हो जाता है वहां लग गया ना, ये वहां लग गया तो समझिए कि ये जो हो गया एन का मान हो गया। जैसे आठ वहां पद, दस वहां पद, वहां जहां लग जाता है वो हो जाता है एन का वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो यहां पे एन का वैल्यू कितना भाई, एन का वैल्यू पंद्रह, और हमें क्या निकालना है, तो अंतिम पद, यानी कि जब पंद्रहवां पद, जैसे पहला पद दूसरा पद तीसरा ऐसे ही लिखते जाएंगे तो पंद्रहवां पद तक लास्ट होना है हमें, तो पंद्रहवां पद तक लास्ट होना है का मतलब क्या, अंतिम पद, तो एन का वैल्यू निकालना है। इसलिए आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ए का मान देखिए कितना, 2 प्लस एन का वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुना 2। तो आप देख पा रहे होंगे ये शॉर्ट है नहीं, ये समझ का फेर है। यहां पे हम लोग फार्मूला का यूज करके बना रहे हैं और वहां पे एक डायरेक्ट मेथड है, हालांकि दोनों बातें क्या है सेम है। देखिए 15 में से 1 गया 14 डी बना ना, तो फार्मूला सब कुछ वही होती है, ठीक है। अच्छा अब इससे सवाल ये हो सकता है कि कोई एपी का प्रथम पद दिया है, सार्वंतर निकालना है, पदों की संख्या दिया हुआ है, एन जो है अंतिम पद है, यानी कि एकरा में 1 2 3 4 गो का मान बैठाना है फार्मूला में। अब 4 गो के मान में कोई 3 गो का मान पता है तो हम एक जो घट रहा है उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे सवाल में एन का वैल्यू दिया, ए का वैल्यू दिया, एन का वैल्यू दिया, तो हम डी निकाल सकते हैं, सिंपल। अगर ए का, एन का, डी का वैल्यू दिया तो एन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी सवाल हम लोगों को एक्सरसाइज 5.2 में मिलेगी, ठीक है। अब एपी का कुछ हम लोग गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि अगर एपी का क्या गुण है, ठीक है। एपी का एक गुण है, आपको जानकर आश्चर्य होगा क्या क्या गुण है, चलिए जरा देखते हैं। तो पहला गुण ये है, तो अब हम लोग कुछ एपी के टर्म्स का, एपी का गुण का चर्चा कर लेते हैं कि एपी का क्या क्या गुण है। तो पहला गुण, जैसा कि आप शुरू बार में सीखे हैं कि जब भी कोई सीरीज बढ़ता है वो समान आंकड़ा प्रदर्शित करता है, यानी कि हमेशा सार्व अंतर जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि अगर 2 से स्टार्ट हुआ और अगला टर्म 5 हो रहा है तो फिर अगला 8 होगा, फिर 11 होगा, फिर 14 होगा, फिर 17 होगा, फिर 20 होगा, ठीक है। यानी कि एपी का गुण हम लोगों को यह पता चला कि हमेशा हमेशा सार्व अंतर समान रहता है, सार्व अंतर समान रहता है, समान रहता है का मतलब बराबर रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग डाल लेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लिया 2 है, अगला 5 हो जा रहा है, तो अगला क्या होगा, 8 होगा, फिर 11 होगा, फिर 14 होगा, फिर 17 होगा, ऐसे ही एटीसी बढ़ते रहेगा, ठीक है। दूसरा, यदि एपी का 3 पद है, यदि एपी का 3 पद हो, 3 पद हो तो बीच वाला पद बराबर किनारे के पदों का योग बटे में 2। अब देखिए दूसरा इंपोर्टेंट है, अगर मान लिया कि कोई भी एपी है भाई, कोई भी एपी है, अब वो एपी है, अब उसका कितना पद है, 3 पद है, तो 3 पद को लेकर आप ये निकाल सकते हैं कि जो बीच वाला पद होता है ना वो किनारे के पदों का योग को 2 के डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपको हम चेकआउट कराते हैं, जैसे कोई भी एपी का आपको कितना पद लेना है, 3 पद, जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 बहुत सारा पद ले लिए ना, लेकिन अब की बोल रहे कि कोई भी एपी का 3 पद ले, एपी होना चाहिए लेकिन 3 पद होना चाहिए। जैसे हम ले लिए 8 19 27 है कि नहीं, सॉरी है 8 से 11, तो 11 बढ़ा तो ये बढ़ेगा कितना, 11 बढ़ेगा तो कितना होगा, 30 ना, हाँ। तो ये 3 को पद एपी का है। अब कैसे एपी का है, तो देख लीजिए यहां पे भी 11 का अंतर है, 11 का अंतर है, और इसमें सबसे बड़ा बात ये बोला गया, इसका गुण ये है कि जो बीच वाला पद होता है ना एपी का वो किनारे वाला पदों का योग के बराबर होता है। तो इसमें किनारे वाला कौन है, 8 और 30, और जब इसको जोड़ के, किनारे वाला को जोड़ के और 2 से भाग कीजिएगा
तो बीच वाला पद निकल जाएगा, ठीक है। तो किनारे वाला कौन कौन सा है, तो 8 + 30, और इसको 2 से भाग कीजिए तो 38/2 यानी कि 19, जो कहां वाला है, बीच वाला, देख पा रहे हो। यानी कि बहुत सिंपल है, ये एक गुण है एपी का। देखिए एपी का कुछ ना कुछ किसी के अंदर क्वालिटी होती है, वही एपी के अंदर एक क्वालिटी है कि भाई एपी का अगर कोई 3 पद रहेगा ना, तो बीच वाला पद कैसे हम लोग मालूम कर सकते हैं कि किनारे वाले को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो, वो एकदम शॉर्ट मेथड है। जैसे मान लिया कभी कभी क्या बोलेगा कि एक क्वेश्चन के तौर पे लेते हैं, कभी कभी बोलेगा कि एपी में 8 खाली स्थान 16 है, तो खाली स्थान भरे, खाली स्थान को भरे। ये सवाल आएगा आपको, क्या बोल रहे हैं कि 3 पद है, देखिए 8 है, बीच में खाली स्थान है और यहां पे 16 है, ठीक है। आप यहां कितना भरेंगे कि वो एपी में हो जाएगा, एपी में है 8 है, खाली स्थान 16, किसमें है, एपी में है, तो खाली स्थान को भरे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब 3 पद एपी में होता है तो बीच वाला पद कैसे निकालते हैं, किनारे के पदों का योग को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे सवाल होगा 8 + 16/2 यानी कि 24/2, तो यहां पे कितना भर देंगे, 12 भर देंगे, तो हम लोगों का सही हो जाएगा। देख लीजिए एपी में भी हो जाएगा 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 16, कॉमन डिफरेंस यानी कि स्थानांतर दोनों का बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फिलहाल हम लोगों को इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चंस, इतना सारी चीजें अगर समझ में आ गया तो फिर हम लोगों को एक्सरसाइज में कोई से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को शुरू करते हैं, इतना चीज समझने के बाद कि हम लोगों को कैसे कैसे क्या क्या का वैल्यू दिया है। प्यारे साथियों, हम आपको 5.2 एक्सरसाइज में बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा जो चीज हम हिंट्स करेंगे। चलिए तो सबसे पहले 5.2 का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 5.2 का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहले कुछ इसमें फिगर है, डायग्राम है, डायग्राम को आप बनाइए, हम भी बनाते हैं, फिर मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे अगर आपके पास किताब हो तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर नहीं भी है प्यारे साथियों तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। जरा इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा कि एक सारणी बनाया हुआ है और इस सारणी में एक तरफ ए का वैल्यू दिया है, दूसरे वाला कॉलम में, दूसरे वाला लाइन में डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, जहां जहां खाली स्थान है, जैसे पहला में यहां खाली स्थान है, दूसरा में यहां खाली स्थान है, तीसरा में यहां खाली स्थान है, यहां खाली स्थान है, यहां खाली स्थान है, और इस खाली स्थान को आपको क्या करना है, भरना है। प्यारे दोस्तों, एकदम आपको जो यूज करना है फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला यूज करना है, एन बराबर a + n − 1 × d, ठीक है। हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन बताने वाले हैं और फिर बाद बाकी आपको बनाना होगा, ठीक है। जैसे मान लिया कि इसमें 5 क्वेश्चन हैं, हम दूसरा क्वेश्चन को बताएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में आपको देखना चाहिए, सबसे पहले आप ये लिखिएगा कि a के सामने जितना भी वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो यहां पे हम जो लिखेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो यहां पे लिखिएगा दिया है, क्या क्या दिया है भाई, दूसरा क्वेश्चन में तो a का मान दिया -18, तो a का वैल्यू लिख दीजिए -18, ठीक है। फिर इसी के दूसरा वाला सवाल में देखना है, यानी कि पहला वाला में देखना है, दूसरा वाला में a का वैल्यू -18, डी का खाली जगह, तो यहां पर लिख दीजिए डी का वैल्यू वाट, यानी वाट मैंने निकालना है,
अच्छा फिर एन का वैल्यू देखिए टेन, तो देखकर बस लिखते रहना वैल्यू, एन का वैल्यू टेन हो गया। ए एन का मान कितना दिया है, ए एन का वैल्यू जीरो दिया है। यानी आप सबसे पहले ये चीज बना लेंगे कि क्या क्या का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जितना भी पहला का टोटल सवाल है इसमें आपको एक ही फार्मूला यूज करना है, वो कौन सा फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी कि इसमें एक सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फार्मूला का यूज करेंगे और जो चीजें निकालना होगा उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये टेबल में, अब हम लोग तीसरा बनाते हैं तो यहाँ a बराबर व्हाट लिखते हैं, d का वैल्यू माइनस थ्री, n का वैल्यू 18, an का वैल्यू माइनस पांच। समझ पा रहे चीजों को, तो हर बार आपको वैसे ही जो जो चीज दिया रहेगा उसको लिख लेना है, जो चीज निकालना रहेगा उसका बराबर व्हाट, और फिर आपको एक फॉर्मूला यूज करना है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला पांचों में इस्तेमाल करना है और जिसका जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसके जगह पे पुट कर देना है। तो हम आपको एक क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब माइनस रहेगा तो उससे गड़बड़ाना नहीं है, माइनस का माइनस पुट कर लेंगे, ए का वैल्यू माइनस में भी दिया हुआ है कहीं कहीं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए का वैल्यू देखिए कितना है, माइनस 18। सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन के जगह पे कितना रख रहे हैं, जीरो, तो यहां पे जीरो रख दिया। ए के जगह पे कितना रखना है भाई, तो माइनस अठारह रख दिया। प्लस एन, एन की जगह पे कितना रखना है, टेन, तो यहां पे रख दिया टेन माइनस वन। डी का वैल्यू तो निकालना है ना भाई, तो डी का वैल्यू निकालना है, आप डी का वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करके और डी का वैल्यू निकालना है। जैसे ये माइनस 18 है और माइनस 18 जब इधर आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा और यहां 10 में से 1 घटेगा तो 9d, इसलिए डी का जब वैल्यू निकालना है तो 9 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में 18/9, तो ये हो जाएगा डी का वैल्यू 2 आंसर। तो वहां पे जो फिल द ब्लैंक्स है वहां पे हम लोग 2 भर देंगे, ठीक है, वहां पे 2 भर देंगे। तो इसी तरीके से साथियों पहला का जितना भी टोटल सवाल है यानी कि 5 हम एक क्वेश्चन कर दिए हैं, अब बाकी का 4 क्वेश्चन आपको खुद से करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे जिसका नाम दूसरा है, क्योंकि पहला का मुझे उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि आप सब इस क्वेश्चन को बना पाइएगा, तो वैसे ही करके पहला का टोटल क्वेश्चन को बनाना है। जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे, दूसरा में टोटल 2 क्वेश्चन है, एपी दिया है, शुरू में एपी लिखा हुआ है, एपी में है, कौन कौन सा एपी में है भाई, तो दूसरा का ये पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एपी में दिया है 10, 7, 4, ऐसे करके आपको तीसवां पद निकालना है, तीसवां पद। तो हम आसानी से जैवा पद निकालना होता है, पहले यहां पे ए का वैल्यू देखिए कितना दिया है 10, डी का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो 7 में से 10 घटा तो -3, और ए और डी का वैल्यू हमको अब कितना निकालना है, तीसवां पद। हम क्या बोले, शॉर्ट मेथड अपनाइए, तीसवां पद बोले, आप एक कम लिखिए, आप लिखिए ए प्लस 29d और सबका मान रख दीजिए, जो आएगा वो आंसर। तो आपको हिंट्स के तौर पे हम देते जा रहे हैं, वैसे ही आप दूसरा क्वेश्चन भी बना लीजिएगा। यानी कि हम लोगों का जो आज कंप्लीट होना चाहिए वो पहला का 5 सवाल और दूसरा का 2 सवाल कंप्लीट होने चाहिए। फिर अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे साथियों, तीसरा नंबर क्वेश्चन से आगे कंप्लीट करेंगे, तो बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत शेयर कीजिए, कहीं से भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बस आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ना शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।